हाँ जी, सुरमा सजा के लटे उलझा के, हाथ जी आसे मल मल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल, गुलाबो जरा गंध फैला दो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। जी, ये गाना इसलिए आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जैसे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो गुलाबो जो है उसने गंध फैलाना शुरू कर दिया है, ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया है, फिर यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिरके की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने आ रही हैं। कैसी कैसी अजीब चीज़ें, मतलब पागल हो गए ना बिल्कुल, इनको कोई होश नहीं है कि अब क्या होगा। लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा, जो ये जमा करके एक मंडली लगा के बैठ जाते थे और उनको सुनने वाले जमा हुए थे, उन सबको जवाब देना पड़ जाएगा। गैंग जहाँ से पैसा खाया उसको जवाब देना पड़ जाएगा। उन लानतों का ये क्या करेंगे जो पूरी दुनिया से इन्हें पढ़ रही हैं। तो ये हालात तो हो ही जाते हैं, फिर बंदा रात को 3-3 बजे उठ के जो है वो दीवारों से सर मारता है और सोचता है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये तो हमने कुछ और ही सोचा था। और आखिरी जो इन्होंने अपनी तरफ से बम समझा था, हम बम चलाएंगे, तो वो पटाखा निकला और पटाखा भी वो जो ठुस हो गया, और जनाब उसने रात को 3 बजे उठ के 1.5-2 घंटे मेकअप करने के बाद ये ऐलान किया कि मैं कराची आ रही हूँ, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। तो उस बेचारी को कोई बताए कि तुझे तो अदालत ढूंढ रही है, तेरे तो आज खैर से इश्तिहार भी छप गए हैं, तो कराची जाओ, वो तो बल्कि हम लोग खुद कह रहे हैं कराची जाओ, तुम्हें कौन रोके, रोके तो तुम खुद हुए, तुम्हें तो अदालत में बुलाया जा रहा है। मतलब इतने वाहियात और फजूल किस्म की बातें और वी लॉग के अपना मजाक ये लोग खुद उड़वाते हैं, कसम से। आप खुद देख लें, जब जनाब इनका सेशन होता है उस वक्त इनकी हालतें देखा करें, इनकी शक्लें देखा करें, जब 4-5 घंटे खूब रगड़ाई करके मुंह की सारा कुछ करके जिसके बावजूद चेहरे से नहुसत नहीं उतरती, वो चेहरा देख लिया करें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी मेहनत की गई है फेस के ऊपर। तो अक्सर ऐसा आपको पता है पाकिस्तान में हो जाता है, बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं पाकिस्तान में, महंगा मोबाइल जो है, महंगे डब्बे वाले मोबाइल में जो है वो सस्ता मोबाइल पड़ा हुआ होता है, तो ये वही हालात हैं। और दूसरा ये कि बिल्कुल जी तैयार हो जाएं, क्योंकि गुलाबो जो है वो अब गंध फैलाना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि सारे मामले ठीक हो गए हैं और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है, इनकी जो छुपी हुई जितने करतूत थे वह मंजरे आम पर आने वाले हैं। अब एक इनका तमाशा इन्होंने तो लगा दिया, एक फैमिली का, बल्कि पाकिस्तान की हर बच्ची का इन्होंने तमाशा लगाया है अपने पैनल पे, ठीक है, और बच्चियों को सिखाया है कि वालदैन के ख़िलाफ़ कैसे बात करनी है, वालदैन की तजलील कैसे करनी है, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए। मुझे एक बहन का मैसेज आया, और कभी मुझे टाइम मिला मैं दोबारा उसको अपलोड करूँगा। उन्होंने कहा, कैस भाई हमें यकीन करें, इस पूरे गैंग ने, इस सारे गैंग ने जो है हमें ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया है, और आप यकीन करें कि रातों को उठ उठ के हम लोग, हमारी आँख खुलती है, हमें याद आता है या उस बच्ची का चेहरा या मेहदी साहब का चेहरा जो है वो सामने आता है, तो हम जिस तरह इनको बदवाएँ निकालते हैं आपकी सोच समझ से बाहर है। ये क्या आप लोगों ने पाया, ये आप लोगों ने क्या हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, चंद पैसों के लिए, थोड़े से फेम के लिए, कि आज आपकी जो शक्ल देखता है या तो कोई थूक के चला जाता है या कोई बदवा दे के चला जाता है, ये आप लोगों का फ्यूचर है। उसके बाद आप यकीन करें, आप हमारे इस्लाम में हकूकुल इबाद कहते हैं, उसकी माफ़ी नहीं है, हकूकुल्ला की हो जाएगी, आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आप नहीं पूरी कर सके इस्लामिक वे से, वो अल्लाह छोड़ देगा, लेकिन आपने अगर किसी की दिल आज़ारी की है और किसी का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है, तो अल्लाह भी उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करता जब तक वो शख्स आपको माफ़ ना करे। ये आप याद रखें। पता नहीं कौन सा इस्लाम है, पता नहीं कौन से कलमे पढ़ते हैं, पता नहीं आप क्या समझते हैं इस्लाम को, तो ये आप जेहन में याद रखें। जब तक आप पैरों में गिर के, ये सारे 8-9 बंदे जितने हैं, वालदैन के पैरों में गिर के माफ़ी नहीं मांगेंगे,
तब तक इनकी ना इधर अल्लाह ताला इनको ऐसे ही जलील करता रहेगा, और आखिरत में जो इनका होना है वो तो आपको पता है, वो तो फिर चिकन बोटी आपको पता है कैसे सीख के ऊपर चढ़ती है और तो फिर कैसे होती है, वो सारा कुछ आप लोगों को पता है, तिक्के छिक्के आप खाते रहते होंगे। तो आखिरी अंजाम इनका यही होना है, और दुनिया में जो इन्होंने जलालतें समेटनी थी वो समेट ली हैं और आगे ये समेटते रहेंगे। और इसमें कितने लोग हैं मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने अपना फ्यूचर तबाह करके रख दिया है, बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। ठीक है, वो एक शेर है ना कि हम तालिबे शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, मतलब हमें नंगे होने से क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तालिबे शोहरत हैं हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये वो लोग हैं, ये बदनामी को भी अपना नाम समझते हैं कि हमारा नाम हो रहा है। ओ खुदा के बंदो, तुम्हें किस किस ज़ात की गालियाँ लोग दे रहे हैं, कितने कमेंट्स करते हैं जो तुम लोग डिलीट कर देते हो, उसके बावजूद भी तुम लोग अपना बयानिया नहीं बदले, और तुम कितने बदबख्त हो। मैं अक्सर कुरान की आयत पढ़ता था और उसमें ये चीज़ें जब तर्जमे के साथ पढ़ता था उसमें ये लिखा जाता था कि हम हदायत उठा लेते हैं, और कसम से वही तुम लोग हो जिससे अल्लाह की ज़ात ने हदायत ही उठा ली है और तुम्हें गुमराह से गुमराह ही करता जा रहा है, और बिल्कुल तुम हो इसी काबिल हो कि तुम्हें पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी बच्ची सब तुम्हें बदवाएँ निकालें मसले पे बैठ के। तुम लोगों ने जो गंद घोला है ना, ये जो मैंने ये जुमला बोला है ना, इसी वजह से बोला है क्योंकि इस गाने में पहले वो कहा जाता है कि गुलाबो ज़रा इत्र गिरा दो, तो उसमें से फिर जब गुलाबो उठती है ना, वो उठती है और कहती है ज़रा गंद फैला दो। तो जब ये रात को 3 बजे उठती है ना, तो इसका मतलब है कि आपको गंद फैलने वाला बड़ा ठीक ठाक किस्म का। तो अल्लाह ताला इसके गंद से महफूज रखे पाकिस्तान को, तमाम बच्चियों को। और बिल्कुल जी, आपको कोई भी नहीं रोक रहा, हम में तो दम ही नहीं है, आप आएँ तो सही कराची, इस्तकबाल किया जाएगा उधर इंशाल्लाह ऐसा कि एयरपोर्ट पे आप याद रखेंगे, क्योंकि जिसने आपको देखना सबसे पहले, जिसने आपका बैगेज बाहर निकालना है सबसे पहले, आप जहाँ से सफ़र करके तशरीफ़ लेकर आएंगे वो आप लोगों की काफ़ी तवाज़ो करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको तो आवाज़ें दी जा रही हैं ऊँची ऊँची, वो आवाज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो इश्तिहार दिए जा रहे हैं, और अब तो केबल पे आ रहा है सारा कुछ, अब केबल पे आने वाला है, केबल पे आप लोगों की शक्लें आएंगी कि आओ भाई आप तक पैगाम नहीं पहुंचा अदालत का, अदालत आके जवाब दो कि आपने एक बाप को किस तरह जलील किया है, एक बेटी से क्या क्या गंद आपने जो है निकलवाया उसकी ज़ुबान से। और यहाँ पे तो होगा जो कुछ होगा, आगे की सोचें आगे आपके साथ क्या होना है। तो तैयार हैं, क्योंकि कल गुलामों ने एक और गंद फैलाने की कोशिश की और इन्होंने सोचा था कि बड़ा तमाशा लग जाएगा और जनाब मेहदी साहब को उसी वक्त हिरासत में ले लिया जाएगा कि इन्होंने ये हरकत की और फलां हुआ। और फिर यकीन करें, मैं जब इस केस में आया हूँ इतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनको नहीं इतनी अहमियत देता था, लेकिन जितनी इज़्ज़त कसम से अल्लाह ताला ने शाहरा रज़ा को दी है इस केस के हवाले से भी, और जो काम करती रहती हैं फलाई, मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला इसी तरह हर बंदे को शोहरत भी दे और इज़्ज़त भी दे जो मैडम शाहरा रज़ा को दी है, क्योंकि वो बच्चियों की ज़िंदगियां जो है तबाह होने से बचा रही हैं। हमारी बहुत दुआएं हैं इस सारी टीम के लिए, मैडम शाहरा रज़ा के लिए, जबरान नासिर, तमाम मेरे भाई जितने हैं, अहमद शेख जट है, फयाज़ रामे है, बुशरा शकील बहन है, तमाम लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हक और सच के साथ जो है वो अच्छे लोग खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो ये तो गिनती के 3-4 हैं, इन्हीं के नाम मुंह पे आते हैं, लोग इन्हीं को लान तान करके जो है वो चले जाते हैं। अब आपने गुलाबों के तो आपने अब गुलाबों जो है ना उसके किसी गंद का जो है ना वो टेंशन में नहीं आपने आना, तो ये गंद अब फैलेगा क्योंकि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशानी हो रहा, इनको आप इंजॉय करें क्योंकि इनकी सिसकियाँ, इनकी जो तकलीफ़ है, इनके जो आंसू हैं ना उसको इंजॉय करें, क्योंकि जब बच्ची की वालदा रोती थी और वालिद रोते थे तो ये इसको इंजॉय करते थे, कह के मारते थे। ठीक है, इनके कह के आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं जिस तरह ये कह के मारते थे मेहदी भाई की हालत पर और उनकी वालदा पर, और फिर जिस तरह बच्ची के साथ ये बैठ के जो है बातें करते थे वालदैन के ख़िलाफ़।
तो बड़ा दिल हमारा दुखता था, आज तुम रो रहे हो हमें बड़ा सुकून मिलता है, तुम्हारी चूसनी वाली शक्ल से जब आंसू गिरते हैं ना टप टप करके, इतना सुकून मिलता है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। तो नाज़रीन अगली वीडियो इंशाल्लाह अहमद शेर जट के हवाले से, जो उन्होंने सारा इश्तिहार पढ़ा है और बताया है कि ये कैसे छपा है और क्या कुछ है, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।